हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि स्केचअप के अंदर आप ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कैसे कर सकते हो। हाइड तो का तो ऑप्शन आपका नॉर्मल है जो आपको डायरेक्टली दिख जाता है, बट आइसोलेट कैसे करते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे अपकमिंग कोर्सेज को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक वन विंडो सॉल्यूशन है। आप मेरी वेबसाइट पे जाए, dpkvarma.in मेरी वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अभी अपडेशन इसके ऊपर चल रही है, तो आप इस पे जाके देख सकते हैं हमारे ऑनगोइंग कोर्स कौन से हैं जो अभी चल रहे हैं। जो अभी ऑटोकैड 3ds मैक्स का आपका चल रहा है, ऑटोकैड स्केचअप चल रहा है, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन बैच 5 आपका चल रहा है। पॉपुलर कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अवर कोर्सेज पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे और भी कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अभी तक हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो वो सारे कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हो और इनको यहीं से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके अपना नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली मेरी ऐप के ऊपर। ये वेब वर्जन है ऐप का, आप यहां से भी सारे कोर्सेज वगैरह को देख सकते हैं अगर आपको देखने हैं तो। आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट बाय कर सकते हैं, इसमें और प्रोजेक्ट यहाँ पे डलने वाले हैं जिनको आप फ्री में भी बाय कर सकते हो, कुछ अमाउंट देके भी बाय कर सकते हो, तो वो यहाँ पे डलने वाले हैं, तो इसके लिए अपडेट जल्दी मिल जाएगा आपको। उसके बाद स्टूडेंट वर्क देख सकते हो, जो हम जितने भी स्टूडेंट्स का हमारा वर्क होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और आप अपना काम भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट योर वर्क पे क्लिक करके आपने कुछ इंफॉर्मेशन डाले, योर नेम, पोस्ट टाइटल, उसके बाद कैटेगरी डाल दे, कंटेंट डाल दे, चूज फाइल करे, एड सबमिट पोस्ट कर दे, तो आपका वर्क भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। क्लियर? और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड्स पे जाओ, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटो कैड के आपके 18, 19, 20, 21, 22 लास्ट 5 वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मिल जाएगा क्लिक हेयर टू वॉच और हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसको देख के आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी अपडेशन यहाँ पे आने वाली है, और भी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी मैं यहाँ लिंक डालने वाला हूँ, ताकि आप वहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाओ और आप इंस्टॉल कर पाओ। तो इसके लिए आप यहाँ पे विजिट करें, आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके भी आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, और भी अपडेशन इसके अंदर आएंगे तो आप टाइमली इसको चेक कर सकते हो, रिव्यूज डाल सकते हो आप यहाँ पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट या जो भी आपके अपकमिंग कोर्सेज है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो होपफुली आपने मेरी ऐप को भी इंस्टॉल किया होगा। दीपक वर्मा के नाम से मेरी एंड्रॉयड ऐप है, और आईफोन के लिए आप माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें ODIMM मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है जो आप यूज कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मान लो आप इस विंडो को आइसोलेट करना चाहते हैं, ठीक है? हाइड करना तो इजी है, अगर आप इसे आइसोलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप आइसोलेट करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या तो ग्रुप होना चाहिए या कंपोनेंट होना चाहिए। मेनली वो कंपोनेंट होना चाहिए, तब आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले उसको कंपोनेंट बनाओ। जैसे कंपोनेंट अगर आपने कॉपी किए हुए हैं तो वो हाइड वाला, आइसोलेट वाला इफेक्ट सभी कंपोनेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है? अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ही आइसोलेट करना चाहते हो तो आप उसे यूनिक कर दे, मेक यूनिक, उस पर राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर देंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट आपका वहां पे आइसोलेट होगा। अब मान लो मेरे पास ये विंडो है, मैं इस विंडो को आइसोलेट करना चाहता हूँ। हाइड का आपको पता है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके हाइड कर दो, वो हाइड हो जाएगा। वापस लाने के लिए एडिट पे जाओ, अनहाइड ऑल पे क्लिक कर दो। बट आइसोलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू विंडो, गो टू प्रेफरेंसेस एंड गो टू शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स पे जाके आप यहाँ पे एक हाइड का शॉर्टकट सर्च करो, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा व्यू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट है ना, हाइड और अनहाइड, रेस्ट ऑफ मॉडल, ठीक है? सिमिलर मॉडल के कंपोनेंट के लिए, बाकी सिमिलर कंपोनेंट को हाइड करना है। तो अब हम बात करेंगे हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल। इसके लिए कोई भी एक शॉर्टकट असाइन कर लो। मान लो मैंने एच असाइन किया तो ये बोल रहा है कि एच कैमरे के लिए है, आई असाइन कर रहा हूं तो ये बोलेगा आई किसी, अब आई को इसने ले लिया। किसी और के लिए अगर कोई वर्ड हो तो अल्ट के साथ हाई कर दो, कंट्रोल के साथ हाई कर दो, तो आप उनसे भी कर सकते हो। मान लो मैंने अल्ट के साथ भी यहाँ पे आई कर दिया असाइन, तो ये भी असाइन हो गया। तो आप मैक्सिमम जितने भी शॉर्टकट्स आप बनाना चाहते हो एक कमांड के, वो बना सकते हो।
सिर्फ ये करना है एंड ओके कर दो। अब क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट को आपको हाइड करना है उस कंपोनेंट को आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे वो हाईलाइट हो गया, बाकी सारा मॉडल इस तरीके से आपको दिखेगा। तो हाइड करने के लिए आपको सिर्फ अब आई प्रेस कर दो, तो जो आपके ये कंपोनेंट रहेंगे ये आपके आइसोलेट हो जाएंगे, बाकी पूरा मॉडल आपका हाइड हो जाएगा। दोबारा आई प्रेस करोगे दिखने लगेगा, दोबारा आई प्रेस करो हाइड हो जाएगा। ऐसे ही अल्ट प्लस आई से आपका काम करेगा। तो बाहर क्लिक करो तो आप कमांड से बाहर आ जाते हो, नॉर्मल क्लिक करके आई प्रेस करोगे तो आप हाइड नहीं कर पाओगे, आपको डबल क्लिक करना है, अब आपको आई प्रेस करना है, तब आप उसको अनेबल कर पाओगे हाइड आइसोलेशन को। तो बाकी सारा हाइड हो गया, वो आपका आ गया यहाँ पे, इस पे आप डायरेक्टली काम करो और उसके बाद आप बाहर जाओ, सिंपल। तो इस तरीके से आप आइसोलेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, और किस किस टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।